नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको डेरा सच्चा सौदा के अंदर से सीधी कवरेज दिखा रहे हैं। हमारे साथ अवनीत कौर जी हैं, वो आज भी डेरा सच्चा सौदा में आई हुई हैं। बीइंग गर्ल ये कैसा महसूस करती हैं डेरा सच्चा सौदा आश्रम में, इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। अवनीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कौन सी क्लास में स्टडी कर रही हैं? मैं प्लस वन में शास्त्री नाम जी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत सारी नॉलेज मिलती है और दूसरों की हेल्प और इंसानियत के रास्ते में चलने के लिए भी गुरुजी हमें प्रेरणा देते हैं। गुरुजी के बारे में क्या जानते हैं, उनका नेचर कैसा लगता है आपको? गुरुजी का नेचर बहुत अच्छा है, वो दूसरों को हेल्प करते हैं और वो हमें मतलब एज ए स्टूडेंट हमें भी सिखाते हैं कि आप इंसानियत के रास्ते पे चलो और दूसरों की हेल्प करो और हमेशा एक लड़की को मतलब किसी से डरना नहीं चाहिए, हमेशा उसका डट के सामना करना चाहिए। गुरुजी ने क्या इंसानियत के कार्य किए हैं? गुरुजी ने बहुत सारे इंसानियत के कार्य किए हैं, जैसे गरीबों को मकान बना के दिए हैं, लड़कियों को मतलब वैश्यवृत्ति से बचाया है और भी बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं। जो मीडिया में 3-4 साल पहले दिखाया जा रहा था, उन खबरों के बारे में क्या कहोगे आप अपनी जी? जो मीडिया में 3-4 साल पहले दिखाया जाता था वो मतलब बिल्कुल गलत हैं। पिताजी बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, उन्होंने हमेशा ही लड़कियों की रिस्पेक्ट की और उन्हें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए वो भी बिल्कुल गलत हैं। और आप जो बोल रहे हो अपनी मर्जी से बोल रहे हो, जो कोई दबाव कोई प्रेशर डाला गया आपके ऊपर? नहीं, मैं जो बोली मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से बोली, मुझ पर किसी ने भी कोई दबाव और प्रेशर नहीं डाला। क्यों जुड़े हुए हो, आज भी आप आश्रम में क्यों आए, आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? हमें गुरुजी में इंसानियत के रास्ते में चलने की प्रेरणा देते हैं और वो लड़कियों की हमेशा इज्जत करते हैं और उन्हें हमेशा भी मतलब डट के सामना लड़कों का करने के लिए कहते हैं और लड़कियों को लड़कों के बराबर समझते हैं, इसलिए हम अभी तक भी मतलब डेरे में आते हैं। 3-4 साल होने वाले, अब गुरुजी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं धीरे धीरे और जैसे अब देखा जाए तो पिताजी आ जाए तो ये जो मतलब समाज में जो बुराइयां बढ़ रही हैं ये कम हो सकती है। जैसे आजकल नशा जो लोग ले रहे हैं वो भी ज्यादा हो रहा है आजकल नशा। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी डेरे में भेज दें जिससे देश में जो बुराइयां हैं वो भी कम हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार पब्लिक डिमांड कर रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा के लिए। लगातार पब्लिक बोल रही है कि झूठे बदनाम किया गया, उनको झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। समाज के लिए जो उनका योगदान है और समाज आज भी उनकी मांग लगातार कर रहा है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।